क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में बोला है ए डाई इज नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 6 इन 6 डिफरेंट वेज, मतलब एक डाई है जिसमें 6 अलग अलग नंबर है, ठीक, ये यूजुअल होता है, ठीक है। इफ वन इज एडजेसेंट टू 2 4 एंड 6, अगर वन नंबर का फेस इज एडजेसेंट टू 2 4 एंड 6 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू, तो हमको ऑप्शन के हिसाब से आंसर मार्क करना है। तो यहां पे हमने क्वेश्चन के हिसाब से डाई बनाया है, अपर फेस इज 1, फ्रंट फेस इज 2, बैक फेस इज 6 एंड राइट फेस इज 4, तो बच गए दो फेस को उनसे 5 एंड 3। अब 5 एंड 3 कैसा भी हो सकता है, यहां पे 5, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 5, अब ऑप्शन में क्या है उसके हिसाब से हमको आंसर टिक करना है। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है 2 इज अपोजिट टू 6, 2 इज अपोजिट टू 6 जो कि सही है, पहला पॉइंट। दूसरा 1 इज एडजेसेंट टू 3, 1 इज एडजेसेंट टू 3 नहीं, 1 इज अपोजिट टू 3, एडजेसेंट नहीं है। अब यहां पे अगर देखेंगे तो ये जरूरी नहीं कि 2 4 6 ऐसा हो, 2 4 6 ऐसा भी हो सकता है, 6 यहां पे 4 यहां पे, मतलब 2 इज नॉट अपोजिट टू 6, ये ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा 3 इज एडजेसेंट टू 5, अब यहां पे देखिए 3 यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, या 5 यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, अल्टीमेटली 3 इज एडजेसेंट टू 5, मतलब ऑप्शन नंबर 3 अभी तक का सही आ रहा है। लास्ट 3 इज अपोजिट टू 5, ऑब्वियसली 3 और 5 अपोजिट एक दूसरे को हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी, मतलब 3 इज एडजेसेंट टू 5, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।